अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एवरीवन कैन कुक। आज की हमारी रेसिपी है पिंक सॉस पास्ता की, जो कि मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हमने लिया है 500 ग्राम चिकन है, जिसको हमने जूलियन कट काट लिया है, और दो मीडियम साइज़ की अनियन है उनको चॉप कर लिया है, वन मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून सॉल्ट, वन टेबल स्पून हमारे पास चॉप्ड गार्लिक है, टू टेबल स्पून केचप और टू टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है, और फोर टेबल स्पून हमारे पास कोई भी पास्ता सॉस है। तो चलिए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर दिया, 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें हम अपना चॉप्ड गार्लिक डालेंगे पहले। गार्लिक हमारा थोड़ा पिंक सा हो गया, गोल्डन, लाइट गोल्डन सा, तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को थोड़ी देर पकाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए जब तक। देखिए चिकन हमारी कुक हो रही है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और टेंडर हो जाए। चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। एक शिमला मिर्च, और साथ ही इसमें अपने सॉसेज ऐड करते हैं। एक से दो मिनट तक इसको हम कुक करेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं हमें इसको पकाते हुए। ये देखिए इसकी थोड़ी सी थिक हो गई है, और सॉस और वेजिटेबल्स आपस में सब मिक्स हो गए हैं। अब हम वाइट सॉस की तरफ जाते हैं, हम वाइट सॉस बनाएंगे। पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून फुल मैदा लिया, 2 टेबल स्पून हमारे पास बटर है, और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और तकरीबन आधे कप के करीब हमारे पास चेदर चीज़ है, और एक गिलास हमने पास्ता वाटर लिया। जब हमने पास्ता बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक और कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून डाल के पास्ता बॉईल कर लिया था, ये उसमें से हमने पानी लिया है, और 2 कप हमारे पास दूध है। पास्ता हमने बॉईल कर लिए, इसको हमने 500 ग्राम का पास्ता का पैकेट लिया, और एक खुले बर्तन में पानी बॉयल होने रखा। जब पानी बॉयल हो गया, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, और पास्ता हमने बॉईल कर लिया। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हम टैप वाटर इस पर डाल देंगे, तो ये बिल्कुल खुल जाएगा जो थोड़ा बहुत चिपका भी हुआ होगा। अब हम अपने पास्ता के लिए वाइट सॉस तैयार करेंगे। पैन हमने चूल्हे पर रख दिए, 2 टेबलस्पून इसमें हम बटर डालेंगे, मैदा डालेंगे,
इसको हम मैदे में भून लेंगे एक दो मिनट के लिए। तीन से चार मिनट तक हमने इसको इसमें भुना है। देखिए मैदे का कलर भी चेंज हो गया, खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैदा हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें दूध और पास्ता वाटर ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बहुत तेज चूल्हे पे नहीं करेंगे, नहीं तो मैदा हमारा जल सकता है। हम पास्ता वाटर ऐड करेंगे। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, और अब इसको थोड़ा थिक होने तक हम पकाएंगे, और इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बनने का डर है। क्योंकि सॉस हमारी थिक हो रही है, अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे और इसको हम चिकन में ऐड कर देंगे, और चिकन में ऐड करके पास्ता भी उसी में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे हम अपनी चीज़ डालेंगे इसमें। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। इसको हम साइड पर करते हैं। हम अपनी वाइट सॉस को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब इसका कलर ना वाइट है ना रेड सॉस है, इसलिए हमने इसको पिंक सॉस पास्ता का नाम दिया है। अब इसमें हम अपना बॉयल पास्ता ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। अगर आपको थिक लगे या आपको दोबारा गर्म करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करके इसको गर्म करें। पास्ता हमारा रेडी है, और अब हम इसको किसी सर्विंग बॉल में निकालेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी पिंक सॉस पास्ता की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे बच्चों का तो ये बहुत फेवरेट है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।